हेलो टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं अब्दुल रहमान दिल्ली हेयर फिक्सिंग से आज फिर आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। और जो आज वीडियो का टॉपिक है वो है मिराज फ्रंटलेस हेयर पैच को लेके। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मिराज फ्रंटलेस हेयर पैच के अंदर क्या क्या खासियतें होती हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं। तो जैसे कि अभी ये मिराज हेयर पैच है तो और ये फ्रंटलेस हेयर पैच है, तो मैं पूरा समझाऊंगा आपको कि फ्रंटलेस हेयर पैच लगाने से फिनिशिंग कितनी ज़्यादा आती है और क्यों आती है। तो जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आप पैच देख सकते हैं कि ये हमारा मिराज हेयर पैच है। और मिराज हेयर पैच का जो ऊपर का जो टॉप एरिया होता है उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे स्कैल्प से बाल निकल रहा है। तो इसी तरीके से बिल्कुल अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका फ्रंट। तो फ्रंट के अंदर क्या है कि अभी आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी एक्स्ट्रा नेट है ये सारी नेट हमारा सीधे से कट हो जाएगा। कट होने के बाद में आपके सर पे सिर्फ और सिर्फ बाल ही बाल आपके सर पे बिछाए जाएंगे। तो इसके बाद में जैसे अभी मेरे पैच के नीचे मेरी फिंगर है, तो अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कैल्प से बाल निकल रहे हैं। तो बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से लगेगा फ्रंट पे लगाने के बाद में ये हेयर पैच, क्योंकि इसका एक तो जो ऊपर का टॉप एरिया होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है और जो इसका फ्रंट का जो एरिया होता है वो भी बिल्कुल नेचुरल होता है। तो जब हम फ्रंटलेस हेयर पैच अपने स्कल्प पे जब लगाते हैं तो अभी जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने जो पैच लगा रखा है तो इसकी जो आगे की फिनिशिंग है वो भी बेटर है, मगर हम फ्रंटलेस हेयर पैच की जो फिनिशिंग है वो और भी ज़्यादा क्लियर आती है कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप इसकी फिनिशिंग, ये इस तरीके से बिल्कुल आपको महसूस होगा कि जैसे कि आपने अपने ओरिजिनल जो हेयर हैं, जैसे ओरिजिनल हेयर होते हैं उस टाइप के, जो बिल्कुल नेचुरल लुक आपको देने वाला है ये। तो इस वीडियो के अंदर अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी अगर आपको कमी लगी हो मेरे समझाने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई लुक के साथ। ओके, बाय बाय।